हेलो एवरीवन बेटा, मैथ्स का सिलेक्शन देखते हैं आरएमसी जून 2019 का। लेकिन उससे पहले एक करेक्शन थी इंग्लिश के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 था, डू एज डायरेक्टेड, और उसमें एक कंपैरेटिव सेंटेंस को हमने पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना था। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री वॉज गिवन टू अस एंड वी हैव टू चेंज इट इन टू We have to change it into positive degree, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट है, तो मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। क्वेश्चन वॉज, इट इज़ बेटर टू लेंड देन बोरो। ठीक है, इट इज़ बेटर टू लेंड देन बोरो, इसको आपने चेंज करना था पॉजिटिव डिग्री में। यू हैव टू चेंज इट। ओके, सो बेटा कंपैरेटिव डिग्री में एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा दैन आएगा। ठीक है, दैन हम क्यों यूज़ करते हैं? कंपैरिजन के लिए। अब हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। हमने क्या क्या गलती करी हुई, हमने लिखा हुआ लेंडिंग इज़ बेटर देन बोरोइंग। ठीक है, तो वो सही नहीं है क्योंकि उसमें कंपैरेटिव डिग्री का हमने यूज़ किया। हमें इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या हुआ, ऐसे हुआ, It is not so good to borrow as to lend. ठीक है, तो ये एक मिस्टेक थी, इसको आप प्लीज़ रेक्टिफाई कर लेना। चलो मैथ्स पे आते हैं। ठीक है, RIMC कॉलेज देहरादून एंट्रेंस एग्जामिनेशन जून 2019, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पहलू इस पेपर के, मैक्सिमम मार्क्स 200 बच्चों को पता है, 1.5 आवर इज़ गिवन टू। ठीक है, तो 1.5 घंटा है, तो आपका जो कंपटीशन है इट इज़ अगेंस्ट टाइम। ठीक है, तो आप ये सोचना कि आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि टाइम के अनुसार, और कुछ इसमें दिए गए हैं कि देर आर टोटल 30 क्वेश्चंस एंड पार्ट ए कंप्राइजेस 20 क्वेश्चंस, पार्ट बी 10 क्वेश्चंस, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, एंड कहीं पर भी पाई की वैल्यू आएगी तो उसको आप 22/7 लेंगे। ओके, उसके अलावा आज मैं चाहूँगा कि मैं पहले पार्ट बी करूँ। मैं बच्चों से कहता भी हूँ कि स्टार्ट आपको पार्ट बी से करना है। पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10-10 मार्क्स के होते हैं, बहुत ईजी आपके लिए 100 मार्क्स फेच करना शुरू में। ठीक है, विद इन 45 मिनट्स बच्चा कर सकता है। अच्छा, तो जो पार्ट ए है उसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं, ईच कंप्राइजेस 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये इवेल्युएट, फैक्टराइज, डायरेक्शन सेंस, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू इन पार्ट ए, जिसको हम अभी करेंगे। एंड देन बॉक्स ऑफ कैंडीज, इफ 27% ऑफ अ नंबर इज 81, लार्जेस्ट नंबर, एरिया ऑफ द सर्कल 15 टाइम्स, ना दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड देन एक्स प्लस 1/x इज बिलो √5, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x². अच्छा, बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक भी थी, थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना है बच्चों को। एंड देन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन टू यू, एंड देन हॉलो सिलेंडर इज गिवन टू यू, एंड देन वन सिंप्लीफिकेशन, देन आफ्टर 14 ईयर्स राम विल बी थ्राइस टाइम्स, दिस काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन। देन यू हैव टू फाइंड एक्स, सिंपल है। रेशियो वाले क्वेश्चंस आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल अबाउट रेशियो, एंड देन यू हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अच्छा, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देर आर 3, 4, 8, 1 स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन करते, वही सारे रिपीट हुए हैं, वही पैटर्न है। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन ट्रिकी हैं, ट्रिकी इन द सेंस कि बेटा दे आर टाइम कंज्यूमिंग बेसिकली। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि RIMC ने डेटा गलत दिया है, नहीं तो इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में। मैं पाई चार्ट की बात कर रहा हूँ, उसको मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अगेन फ्रैक्शंस में चीज़ें आ रही हैं, और बहुत अच्छा करा उन बच्चों ने जिन्होंने वो क्वेश्चन छोड़ा है। ठीक है, या उसको लास्ट में करने की कोशिश करी, क्योंकि अगेन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं डेटा गलत है और इसकी वजह से प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो पा रही। ठीक है, चीज़ें कट नहीं रही हैं, उसके बारे में हम आएंगे अभी। देन 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज़ अबाउट डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम बोट्स एंड स्ट्रीम्स। पार्ट बी में आते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट बी बहुत ईजी है। पार्ट बी 10 क्वेश्चंस हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। ठीक है, तो हम पहले पार्ट बी कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस देखूं तो इसमें पहले यूनिटरी मेथड है सिंपल, एंड देन देर इज़ अ पाई चार्ट, देन देर इज़ एवरेज स्पीड वन क्वेश्चन,
एंड उसके बाद देन मल्टीप्लाई करना है आपको सिंपली, देन अगेन यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, देन डिवाइड है, टू डिजिट नंबर इंटरचेंज एंड ऑल, देन रेशियो का क्वेश्चन है एंड एसपी का क्वेश्चन है एंड देन ज्योमेट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन है. सी तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं बैक टू बैक दे आर वेरी इजी टू सॉल्व और उसमें इजीली मैं 100 मार्क्स फेच कर सकता हूँ. ठीक है तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग पार्ट बी करेंगे. पार्ट बी आज का जो ये मेरा वीडियो रहेगा ये सिर्फ पार्ट बी पे फोकस रहेगा. ठीक है तो हम पार्ट बी कंप्लीट कर लेते हैं और थोड़ा सा सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको बेटर थोड़ा सा अच्छे से इसको करना है. ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं. ठीक है 21 में कह रहा है देर आर 18 मैन हु कैन बाइंड 900 बुक्स इन 10 डेज. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बाइंडर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 600 बुक्स इन 12 डेज. वेरी इजी. ओके सो फाइंड हाउ मेनी बाइंडर्स विल बी रिक्वायर्ड. कितने बाइंडर्स चाहिए होंगे आपको अगर आपको 600 बुक को 12 दिन में बाइंड करनी हो तो, ऐसा आपसे कह रहा है. ठीक है तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यूनिटरी मेथड तो आप कैसे लिखोगे. ठीक है सोल्यूशन इसका ऐसा रहेगा. ठीक है यू विल राइट बाई यूजिंग यूनिटरी मेथड फर्स्ट बाई यूजिंग यूनिटरी मेथड. इसका मैंने एक वीडियो डाला है बेटा ऑलरेडी. ठीक है यूनिटरी मेथड का उसको ज़रूर देख लेना आप लोग ये चीज़ें क्लियर जाएंगी. इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ. जो चीज़ें निकालनी है नंबर ऑफ बाइंडर्स निकालने हैं तो उसको हम हमेशा राइट में लिखेंगे. ठीक है हाउ मेनी बाइंडर्स, बाइंडर्स का मतलब है नंबर ऑफ मैन यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है नंबर ऑफ बुक्स पहले लिखता हूँ और नंबर ऑफ बुक्स के बाद मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डेज और जो मुझे निकालना है उसको मैं सबसे राइट हैंड साइड में लिखूंगा और मुझे नंबर ऑफ मैन निकालने हैं या बाइंडर्स निकालने हैं. ठीक है नंबर ऑफ मैन. अच्छा व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन विच इज़ गिवन टू अस. एक्सक्यूज मी द फर्स्ट कंडीशन इज गिवन नंबर ऑफ बुक्स 900 नंबर ऑफ डेज 10. ठीक है नंबर ऑफ मैन 18. दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन विच इज़ गिवन टू यू. वेरी सिंपल क्वेश्चन कंप्राइजेस 10 मार्क्स ईजली स्टूडेंट कैन फेच इट. नाउ इन द नेक्स्ट कंडीशन 600 बुक्स आर गिवन टू अस 12 डेज एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन. ठीक है तो मैंने बच्चे से कहा था जब तीन तीन कंपेरिजन हमें करने होते हैं तो आपको टू एट अ टाइम लेने. दिस 18 इज़ नथिंग बट योर इंडिविजुअल वैल्यू क्योंकि आपको इसी के रिस्पेक्ट चीज़ें कंपेयर करनी है और आपको निकालना है. तो इंडिविजुअल वैल्यू को मैं इन शॉर्ट आई डॉट वी लिख रहा हूँ. ठीक है इन शॉर्ट आई एम राइटिंग आई डॉट वी. इंडिविजुअल वैल्यू है उसका मतलब. तो हम कैसे कंपेयर करेंगे. सबसे पहले हम नंबर ऑफ बुक्स को कंपेयर करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ मेन के साथ. और उस वक्त हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे किस पे, नंबर ऑफ डेज पे. ठीक है नंबर ऑफ डेज देखने की भी ज़रूरत नहीं है. तो कैसा होगा अगर 900 बुक्स, ठीक है सपोज 900 बुक्स को अगर हमें बनाना है तो कितने मेन रिक्वायर्ड हैं, 18 मेन रिक्वायर्ड हैं. सपोज 900 बुक्स को अगर हमें बाइंड करना है, आई एम नॉट सीइंग अभी दिस नंबर ऑफ डेज. ठीक है नंबर ऑफ डेज में तो देखना भी नहीं है मुझे, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग मैं नहीं चलूँगा. तो नंबर ऑफ डेज को ऐसे छुपा देना हाथ से. अगर 900 बुक्स बाइंड करनी तो मुझे कितने आदमी चाहिए, 18 आदमी चाहिए. अगर मुझे 600 बुक्स बाइंड करनी तो मुझे कितने आदमी चाहिए, कम. ठीक है डेफिनेटली. ठीक है तो आपको माइंड में क्या सोचना पड़ेगा, एक चीज़ कॉन्स्टेंट लेके चलनी पड़ेगी आपने और वो होंगे टाइम. क्योंकि यहाँ पर मैं नंबर ऑफ डेज को छुपा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि अगर 900 बुक्स को टाइम में कॉन्स्टेंट ले लूँगा, एक दिन भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ. 900 बुक्स को एक दिन में 18 लोग बाइंड करते हैं तो 600 बुक्स को एक दिन में कितने लोग बाइंड करेंगे, टाइम उतना ही है तो नंबर ऑफ मेन कम हो जाएंगे क्योंकि बुक्स कम है. तो क्या आएगा, लेस. तो इसके कंपैरिजन में क्या है यहाँ पर, लेस. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेस. ठीक है इसका कंपैरिजन हो गया कंप्लीट. अब दूसरे में अब मैं इसको कंपेयर करूँगा. ठीक है नंबर ऑफ डेज को मेन के साथ तो मैं अब नंबर ऑफ बुक्स देखूँगा भी नहीं, बैकग्राउंड में मैं कुछ भी ले सकता हूँ. 10 डेज 18 मैन. सपोज कोई भी काम बेटा 10 डेज में कंप्लीट हो रहा है, इट कैन बी एनी वर्क. 10 दिन में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, कितने आदमी चाहिए, 18 मैन आर रिक्वायर्ड. 10 डेज में कोई काम हो रहा है, 18 मैन. वही काम अगर 12 दिन में होगा तो वो काम के दिन बढ़ रहे हैं, तो दिन क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मैन कहीं ना कहीं कम हो गया. ठीक है तो अगेन कंपैरिजन में क्या आएगा, लेस विल कम इन द कंपैरिजन. ठीक है तो बस ये कंपैरिजन हो गया. एग्जाम में आप ऐसे करके नहीं दिखाओगे लेस और ये, लेकिन ठीक आप सिंपली बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड दिखोगे. तो जहाँ लेस आया बेटा, जहाँ लेस आया वहाँ हम लिखते हैं लेस बाई मोर इंटू, दूसरी जगह भी लेस आया तो लेस बाई मोर इंटू इंडिविजुअल वैल्यू. ठीक है
बस नाउ यू हैव टू पुट वैल्यूज, अब हम वैल्यू रखते हैं, अब तो बहुत सिंपल है, ठीक है, नाउ वी हैव टू पुट वैल्यूज एंड सॉल्व इट, ठीक है. सो लेस बाय मोर, लेस बाय मोर इज 600 अपॉन 900 पहले के केस में, इनटू फिर से लेस बाय मोर 10 बाय 12 इनटू इंडिविजुअल वैल्यू इज 18 बाइंडर्स, ठीक है, ये बाइंडर्स तो मैं जरूर लिखूंगा इतने बाइंडर्स. यू हैव टू सॉल्व इट, 6 थ्री ज़ा, 6 टू ज़ा, 2 फाइव ज़ा, 0 से 0 कैंसिल, 3 थ्री ज़ा, 3 टू ज़ा, सो द रिजल्ट विल बी 5 टू ज़ा 10, सो द आंसर विल बी 10 बाइंडर्स. कितना सिंपल है, ठीक है, कैंसिल करा हमने, बहुत ईजिली सारी चीज़ें कैंसिल हो गई और आंसर इज 10 बाइंडर्स, ठीक है. चलो अच्छा, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, सो शैल आई रब इट दिस वन, इसको मिटा देता हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन में आते हैं. अगला क्वेश्चन पाई चार्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 पाई चार्ट है. और जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत अच्छा करा बच्चों ने क्वेश्चन नहीं करा, जिन्होंने भी किया है अगेन बेटा टाइम बहुत उनका वेस्ट हुआ हुआ इस क्वेश्चन पे, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं करना कैसे है, ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है कर नहीं सकते, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है. अगेन यूनिटरी मेथड लगेगा इसमें, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ पाई चार्ट. लेकिन पाई चार्ट कैसे बनता है, एंगल्स के ऊपर, ठीक है, पाई चार्ट बनता है एंगल्स के ऊपर. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके इक्विवेलेंट ये जो रेंट है ना, जो आइटम्स दिए हैं बहुत सारे, इन सारे हमें रेंट्स को, जो अमाउंट हमें रुपीज़ में दिया है, इनके हमने एंगल इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे. और बहुत ईजी निकालना, हमें तो इतना पता है कि एक सर्कल के अंदर कितना एंगल बनता है, टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री. तो ये जो टोटल सम होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है. तो हम लोग इसका पहले सम कर लेते हैं ना, फिर से मैं लिखूंगा बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड. देख लो बेटा कितने सवाल हो रहे हैं यूनिटरी मेथड से. अच्छा, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड में पहले मैं लिख लेता हूँ टोटल अमाउंट. अच्छा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, टोटल अमाउंट विल बी इज इक्वल टू 3000 प्लस 2200 प्लस 400 प्लस 1200 प्लस 1500 प्लस 1800, ठीक है. तो इसको आपने ऐड करना है बेटा, 3000 एंड 2200 विल बी 5200 एंड 400 ऐड करूँगा तो 5600, 5600 में 1200 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 6800, और 6800 में मैं मुझे 15 और 8 मतलब मुझे करना है ऐड 3300. तो ये हो जाएगा टोटल 10100, ठीक है. तो इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 10100, ठीक है, ये आ गया टोटल रफ, ठीक है. अब मुझे यूनिटरी मेथड लगाना है, कैसे लगाना है यूनिटरी मेथड, ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा. क्या मालूम होना चाहिए आपको, कि 10100 इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री. जाहिर सी बात है पाई चार्ट में पूरा आएगा, एंड दैट कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. अगर 10100 360 डिग्री है तो 3000 कितना डिग्री होगा, दिस यू हैव टू कैलकुलेट यूनिटरी मेथड. जाहिर सी बात है लेस डिग्री होगा, लेस यहाँ पर आएगा लेस, और फार्मूला क्या बनेगा, लेस बाय मोर इनटू इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है, लेस बाय मोर इनटू इंडिविजुअल वैल्यू. और जब आप यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, ठीक है, आप जब यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो लेस क्या है दोनों में से, लेस इज 3000 अपॉन मोर इज 10100 इंटू इंडिविजुअल वैल्यू इज 360 डिग्री, डिग्री है, इट इज़ इन डिग्री. तो आंसर विल कम इन डिग्री. तो दो जीरो से आपने दो जीरो काट लिए, अब तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 6 3 ज़ा 18, ठीक है, एंड 3 3 ज़ा 9, एंड सो दिस विल बी 10, दिस विल बी 36 3 ज़ा 108, एंड 108 में आगे दो जीरो और लगा दूँ और अपॉन कर दूंगा मैं 101, ठीक है. सो इन दिस वे इट विल कम अराउंड 106.9 डिग्री, ठीक है. तो ये मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया बेटा,
ठीक है, तो हम लोग तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते। अगर आप इसको फ्रैक्शन में निकालो कितना टाइम कंज्यूम होगा आपका, ये आया है लगभग 106.9 डिग्री। तो मैं यहाँ पर यहीं पर लिख लेता हूँ इसका इक्विवेलेंट कितना डिग्री आया है, 106.9। अगर ये प्रॉपर कैलकुलेशन हो जाता ना तो हमें सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है यहाँ पर, बाद में हम सबको मल्टीप्लाई करते बहुत ईजी हो जाता। अगर 360 देखो सभी में बेटा 360 और येलो टर्म ना कॉमन रहेगा, मैं बल्कि इसको आपको ब्लू से दिखाता हूँ, ठीक है, सभी में ये जो टर्म है ना वो कॉमन रहेगा। देखो ना अगर मैं इसके केस में निकालूँ, और फूड के केस में अगेन अगर आप यूनिटरी मेथड यूज़ करोगे ना तो अगेन 2200 के केस में भी लेस आएगा, यही कंडीशन अप्लाई करूँगा लेस बाय मोर, तो 2200 अपॉन मोर इज़ 10100 इंटू इंडिविजुअल वैल्यू इज 360 डिग्री। तो ये जो येला पार्ट है ना बेटा जो कैंसिल नहीं हो रहा है, ये दिक्कत कर रहा है येला पार्ट। अगर येला पार्ट अच्छे से कैंसिल हो जाता, कुछ फ्रैक्शन नहीं आता, तो हम लोग फिर इजीली सारा कैलकुलेट कर पाते थे। देखो ये सभी में कॉमन रहेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना डिग्री आएगा मैं वो भी लिख लेता हूँ। ये आ रहा है 78.4 डिग्री, ठीक है, 78.4 डिग्री। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का अगर मैं निकालूँगा तो इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है 14.2 डिग्री, ठीक है, इन्होंने डेटा गलत दिया है बेटा साफ, ठीक है, नहीं तो इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं होगी। 1200 के केस में आ रहा है 42.7 डिग्री, और आरएमसी का ये रिकॉर्ड रहा है हर साल एक ना एक क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग आता ही है। तो हमें क्या करना है, स्मार्टली हमें एक्ट करना है, और उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं करना है, टाइम कंज्यूमिंग में बेटा इस क्वेश्चन की वजह से मेरे और क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्या फ़ायदा, 1.5 आवर इज़ गिवन टू मी। एंड उसके बाद 1500 के केस में आ रहा है मेरा 53.4 डिग्री, इसके केस में आ रहा है 53.4 डिग्री, और 1800 के केस में आ रहा है 64.1, यही लिख लेता हूँ 64.1 डिग्री, 64.1 डिग्री, ठीक है। तो ये डिग्रीज इक्विवेलेंट आ जाएंगे सॉल्व करके, और उसके बाद आपको पाई चार्ट बनाना है, तो मैं पाई चार्ट बना लेता हूँ रिमेनिंग चीज़ में इरेज करके, ठीक है, ये तो आपको आ ही गया, डिग्रीज हमें पता चल गए हैं कितने हैं। मैं एक पाई चार्ट आपको बता देता हूँ कि हम लोग रफली कैसे बना सकते हैं अंदाजन, ठीक है, एक अंदाजन आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो हम कैसे बनाएंगे पाई चार्ट, ठीक है, अगर आपने एक सर्कल बनाया, आप कंपास का यूज़ कर सकते हैं सर्कल बनाने के लिए, ठीक है, और फिर स्केल से, अच्छा सेंटर से सबसे पहले 106 डिग्री है, तो मैं पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, आई टेक वन स्ट्रेट लाइन। अच्छा मुझे इतना पता है कि अगर मैं ये लाइन बनाऊँ तो ये तो बनता है 90 डिग्री एग्जैक्टली। अब 100 डिग्री मतलब मुझे 10 डिग्री और ज़्यादा दिखाना है, तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा दिखा दूँगा ऐसे, तो ये मेरा कितना हो गया लगभग 106 डिग्री, इसको मैंने 106 डिग्री दिखा दिया अंदाजन 106 डिग्री, और ये क्या है 106 डिग्री, 106 डिग्री में ये रेंट है, ठीक है। तो पाई चार्ट से आपको पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट आपका किसका रेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये 106 डिग्री के रिस्पेक्ट में है, 106 डिग्री में ऐसे लिख लेता हूँ, ओके। आफ्टर दैट रेंट, ये तो रेंट का हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका फूड का है 78.4 डिग्री, तो इतना तो 90 जाएगा, 90 से थोड़ा कम दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इतना जो पार्ट हो गया, ये कितना डिग्री हो गया मेरा, दिस विल बी 78.4 डिग्री, और ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये फूड है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का 14 डिग्री, ठीक है, तो 14 डिग्री, और 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 15, तो 60 आपको अंदाजन पता होना चाहिए 60 कितना होता है, उसका हाफ बनाऊंगा, फिर उसका हाफ बनाऊंगा, तो 14 डिग्री है, 14.2 डिग्री है अराउंड, इतना हो जाएगा, ठीक है, तो अंदाजन अराउंड इतना हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज 14 डिग्री, दिस पार्ट इज 14 डिग्री, 14.2 डिग्री सॉरी, ठीक है, और ये क्या है, और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, तो मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पेस कम है, स्पेलिंग इतनी बड़ी है और उसके लिए सबसे कम डिग्री दी है। एजुकेशन के ऊपर कितना है, 42.7 डिग्री, ठीक है, तो 42 मतलब 45 में 90 तो मुझे पता है कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो 90 तो ऐसे बनता है नीचे, तो थोड़ा सा उससे कम, ठीक है, और 90 का हाफ होता है ऐसे 45, और मुझे 42 बनाना है तो मैं थोड़ा सा उससे कम बना लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारा अंदाजन है बेटा, ओके।
Achha, this degree is how much? This degree is 42.7 degree. और ये कौन सा? ये एजुकेशन है, इसमें मैं ED लिख लेता हूँ. उसके बाद है 53.4 degree आपका क्लोदिंग, और उसके बाद 64. समथिंग डिग्री. ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक लाइन और खींचनी है. अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँगा तो दिस विल बी योर 90 एंड हाफ विल बी 45. ठीक है, तो मैं 42 थोड़ा सा उससे कम बनाता हूँ, ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ. ठीक है, सो दिस विल बी योर क्लोदिंग, CLOTHING, क्लोदिंग. ठीक है, दिस पार्ट इज़ योर क्लोदिंग एंड दिस इज 53.4 डिग्री एंड फाइनली 64 डिग्री. ठीक है, तो दिस विल बी योर 64 डिग्री. और ये क्या हो गया? सेविंग्स. ओके, तो ऐसे इसका पाई चार्ट बनता. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट तो नहीं बनानी, लेकिन हाँ, अब यहाँ से मैं देखो बेटा पाई चार्ट देख के, मैं मुझे पाई चार्ट में क्यों बनाता हूँ, पाई चार्ट देख के ही मुझे समझ में आ जाएगा ग्राफिकली कि सबसे ज़्यादा शेयर रेंट का है, मतलब रेंट सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, और उसके बाद साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फूड ज़्यादा है और फिर सेविंग्स ज़्यादा है. तो ये सारी चीज़ें, पाई चार्ट इज़ नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन, ताकि आप ईजिली ग्राफिकली आपको समझ में आ जाए कि किसकी वैल्यू कितनी है. ठीक है, ओके फाइन, चले रबिट, चलो मिटा देता हूँ समय. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पाई चार्ट. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, और कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ कहीं डेटा गलती हुई है इनसे. ठीक है, इसलिए प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो रहा है. अच्छा, अब तो ईजी क्वेश्चन है सारे, इनको हम फटाफट करते हैं. अब अगला क्वेश्चन क्या है? अ मैन कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर ऑफिस जर्नी. ठीक है, एट 50 किलोमीटर पर आर, नेक्स्ट 120 एट 54 एंड लास्ट 30 इज एट 60. फाइंड द एवरेज स्पीड. ठीक है, तो यू शुड नो बेटा कि एवरेज स्पीड क्या होता है. ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, अ मैन कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर. ठीक है, तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ. सपोज ये पॉइंट कोई ए है और ये पॉइंट बी है. ए से बी 100 किलोमीटर है, और इस 100 किलोमीटर में जो स्पीड थी वो थी 50 किलोमीटर पर आर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 120 किलोमीटर, सपोज़ ये अगर 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, यहाँ पर स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आर. एंड देन लास्ट इज 30 किलोमीटर. सपोज इतना ये 30 किलोमीटर की जर्नी है, 30 किलोमीटर की जर्नी है, और 30 किलोमीटर के केस में 60 किलोमीटर पर आर सबसे ज़्यादा स्पीड यहीं पर है. तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा. ये सारी चीज़ें गिवन है, ये तो हो गया गिवन. ठीक है, ये तो हो गया गिवन. अच्छा, आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड. यू शुड नो कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है ये. टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है, टोटल टाइम अगर मैं यहाँ इसके केस में निकालूँ, यहाँ पर टाइम कितना जाएगा? T1. यहाँ पर टाइम जाएगा, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 100, और 100 अपॉन 50 कितना जाएगा? 2R आ जाएगा यहाँ पर टाइम, 2R. इस केस में T2 कितना आएगा? ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज हाउ मच? 120. दिस विल बी इज इक्वल टू 120 अपॉन 54 आर आ जाएगा. एंड फाइनली यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो T3 आ जाएगा. T3 आ जाएगा 30 अपॉन 60, तो कितना आ गया? हाफ आर आ गया. ठीक है, तो T1, T2, T3 की वैल्यू लिख लेते हैं. T1 आया मेरा 2R, T2 आया मेरा 120 अपॉन 54. अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करूँ, दिस विल बी 3, 4 ज़ा 40, दिस विल बी 3, 1 ज़ा 3, एंड 3, 8 ज़ा 24. ठीक है, एंड देन 2 से करूँ तो 2, 20 ज़ा 2, 9 ज़ा, सो 20 अपॉन 9 क्या आ गया? R आ गया. ठीक है, एंड T3 कितना है? हाफ आर. बस अब हमें ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में रखनी है बेटा. ठीक है, सो देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस पहले कितनी थी? 100, प्लस फिर डिस्टेंस कितनी थी? 120, प्लस फिर डिस्टेंस कितनी थी? 30 अपॉन
अपॉन टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख भी लेता हूँ, बल्कि डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, तो अपॉन टू प्लस ट्वेंटी अपॉन नाइन प्लस वन बाई टू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर मैं रब कर लेता हूँ, इतना तो क्लियर है, ओके ठीक है। तो न्यूमरेटर में कितना जाएगा, अगर मैं आगे बढ़ूँ, न्यूमरेटर में आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आ जाएगा हाउ मच, 250 आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, 120, 30, 150, 150, 100, 250। अच्छा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में यू हैव टू टेक एलसीएम बेटा, ठीक है। मैं यहीं पर पहले निकाल लेता हूँ, ऊपर आ गया 250 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम विल बी हाउ मच, 18 ना, एलसीएम विल बी 18, तो यहाँ आ जाएगा 36 प्लस 40 प्लस 9। अच्छा तो 18 तो ऊपर चल जाएगा, तो 250 इंटू 18 अपॉन 36 और 9 कितना होता है, 36 और 9 होता है आपका 36 एंड 9 45, 45 एंड 40 85, तो यह आ जाएगा 85, ठीक है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप अच्छे से, बहुत सिंपल है, रिमेनिंग इज़ वेरी सिंपल, 36 एंड 9 इज 45, 45 एंड 40 इज 85, कैंसिल कर लेते हैं इसे बेटा 5 से, ठीक है, 5 वन ज़ा 5, ठीक है, एंड 5 सेवन ज़ा, इसको 5 फाइव ज़ा, ठीक है, ऐसे, ओके। अब तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, इतना किलोमीटर पर आ जाएगा, 18 फाइव ज़ा, 18 फाइव ज़ा 90, तो दिस विल बी 900 अपॉन 17 किलोमीटर पर आर विल बी योर एवरेज स्पीड। इसको आप चाहो तो यू कैन राइट इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑल्सो, ठीक है, डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेना, तो बहुत ईजी है, एज फार कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है। हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमने टाइम को ऐड करा, डिस्टेंस ऐड करा, टाइम कैलकुलेट किया और डिस्टेंस को ऐड किया और डिवाइड कर दिया, सो सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया है दैट, नहीं 24 सॉरी, ठीक है, 23 हमने कर लिया, 24 कह रहा है यू हैव टू मल्टीप्लाई, इट्स वेरी सिंपल, तो बहुत सिंपल है, आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने 6a² - 1a को मैं a लिख सकता हूँ सिर्फ, प्लस 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4a - 2 से, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, पहले 6a² को पहले ये टर्म सभी से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 6a² * 4a, 6 4 = 24a³ माइनस 6a² * दिस विल बी -12a², अभी माइनस ए को सबसे करता हूँ, दिस विल बी -4a² + 2a, अब प्लस 3 को सबसे करता हूँ, सो दिस विल बी +12a - 6, ठीक है। अब इसमें जो जो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, 24a³ इस पावर का एक ही टर्म है, अच्छा -12a² - 4a² विल बी -16a² +2a +12a विल बी +14a - 6, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, दिस इज योर आंसर, ओके। इसके बाद वाला वो भी इजी है, इसके बाद वाले में क्या दिया है, बी पार्ट है, जो बी पार्ट वो दिया है 3a² + a+9 * a+3, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी 3a² * a+3, 3a² * a विल बी 3a³ + 9a² + a² + 3a + 9a + 27, ठीक है। तो दिस विल बी 3a³ + 9a² + a² विल बी 10a²
प्लस 12A प्लस 27, ये आपका आंसर है. देखो 10 मार्क्स का बेटा, एंड सो सिंपल, दिस इज योर आंसर. ठीक है, चलो इसको मैं रब कर लेता हूँ, आगे आगे चलते हैं देन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 25. आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है. क्वेश्चन नंबर 25 सेज दैट मोहन कंप्लीट्स अ जर्नी ऑफ 320 किलोमीटर इन 4 3/4 आवर्स इन अ कार इफ ही कवर्स द फर्स्ट 3/4. अच्छा, अब जो टोटल जर्नी है बेटा, ठीक है, मैं लेट मी मेक डायग्राम फर्स्ट. ये एक टोटल जर्नी है, दिस इज़ फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट एंड दिस टोटल इज 320 किलोमीटर. फाइन. अच्छा, टाइम कितना लग रहा है इसको कंप्लीट करने में, 4 3/4, इट मींस 4 3/4 आवर्स, मतलब 4 घंटे पूरे लग रहे हैं, फिर रिमेनिंग 3/4. ठीक है, तो उसको आप 4 4 16, 19/4 आवर्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा इफ़ ही कवर्स, ये तो टोटल दिया, इफ़ ही कवर्स फर्स्ट 3/4 ऑफ द जर्नी. ठीक है, तो 3/4 ऑफ अ जर्नी, तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है, आपको गिवन है 3/4 ऑफ अ जर्नी की स्पीड गिवन है, 3/4 ऑफ जर्नी. तो 3/4 ऑफ जर्नी निकाल लेते हैं. 3/4 ऑफ जर्नी का मतलब क्या है, डिस्टेंस कितनी जाएगी, डिस्टेंस विल बी 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस. हाँ, दिस विल बी हाउ मच, 4 8. ठीक है, एंड दिस विल बी 240 किलोमीटर, दिस विल बी 240 किलोमीटर. तो 240 किलोमीटर के केस में जो स्पीड है गाड़ी की वो कितनी है, वो है 60 किलोमीटर पर आवर. एंड यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द कार फॉर द बैलेंस ऑफ द जर्नी. सो बैलेंस ऑफ द जर्नी, तो बैलेंस वाली डिस्टेंस कितनी होगी, बैलेंस डिस्टेंस विल बी हाउ मच बेटा, ना 320 माइनस 240, सो हाउ, तो कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर. 80 किलोमीटर में आपने बताना है स्पीड कितनी होगी गाड़ी की. ठीक है, और टाइम कितना कंज्यूम करना है आपने, टाइम यू हैव टू कंज्यूम, टोटल टाइम इज हाउ मच, टोटल टाइम इज 4 3/4, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, सो इट्स वेरी सिंपल बेटा. ठीक है, इसको इसको सॉल्व करते हैं, बस ये चीज़ गिवन थी और अब तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, आपने बस क्या ध्यान रखना है कि टोटल टाइम कितना है और उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने टोटल टाइम देखना है, टोटल टाइम है, टोटल टाइम है, टोटल टाइम इज़ गिवन हाउ मच, 19/4. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को मैं चेंज कर सकता हूँ, 4 3/4 दिया था, सो 19/4 आई कैन राइट, 19/4 आवर्स, दिस इज़ द टोटल टाइम. अच्छा, 3/4 ऑफ द जर्नी का टाइम कितना है ना, टाइम, टाइम ऑफ 3/4 ऑफ द जर्नी, 3/4 का टाइम कितना है वो मैं निकाल लेता हूँ. ठीक है, सपोज उसको मैंने T1 नाम दे दिया. ठीक है, इसको मैंने T1 नाम दे दिया, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, T1 के केस में आपको क्या दिया है, आपको स्पीड दी है ना, आपको डिस्टेंस दिया है, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 240, स्पीड इज 60, सो कितने आवर्स आ जाएगा, 4 आवर्स आ जाएगा. ठीक है, 6 4 24 ना, 4 आवर्स आ गया, ये आ गया टाइम 3/4 ऑफ अ जर्नी. अब जो रिमेनिंग है बेटा, क्योंकि टाइम्स को टोटल कितना लेना है, 19/4 आवर्स ही लेना है, तो रिमेनिंग जो जर्नी है, जो रिमेनिंग बैलेंस जो डिस्टेंस है, उसमें टाइम कितना आ जाएगा, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, सो टाइम ऑफ बैलेंस जर्नी या ऑफ रिमेनिंग जर्नी लिखता हूँ मैं, रिमेनिंग जर्नी का कितना जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम तो 19/4 है बेटा, माइनस 4 घंटे, तो उसको 3/4 में लग गए, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 4 विल बी द LCM एंड 19 माइनस 16 अपॉन 4, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 3/4 आवर्स. इसका मतलब 3/4 आवर्स इज द टाइम ऑफ द रिमेनिंग जर्नी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड. नाउ डिस्टेंस, यू नो द रिमेनिंग डिस्टेंस इज हाउ मच, 80 किलोमीटर, सो द रिमेनिंग स्पीड विल बी हाउ मच, वेरी सिंपल. देयरफॉर
remaining journey speed will be equal to speed is equal to distance upon time, remaining distance upon remaining time. ठीक है, सो रिमेनिंग डिस्टेंस इज हाउ मच 80 अपॉन रिमेनिंग टाइम इज हाउ मच 3/4 और ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा दिस विल बी 80 इंटू 4/3 किलोमीटर पर आवर एंड दिस विल बी एट लास्ट दिस विल कम 320 बाई 3 किलोमीटर पर आ रहा है. ठीक है, आप इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं बेटा. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आपको बता दूं मैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे 320 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 10 ज़ 30 रिमाइंडर 23 6 3 ज़ 18 रिमाइंडर 2. ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं फाइनली. ठीक है, योर आंसर विल कम फाइनली हाउ मच 3 विल कम हियर. ठीक है, एंड 106 विल कम हियर एंड रिमाइंडर विल कम हियर, इतना किलोमीटर पर आवर. वेरी सिंपल. ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं रब कर लेता हूँ. ठीक है, सो वेरी सिंपल. ओके, एक बार कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है बेटा, प्रॉपर. चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ. ठीक है, इसको मैं रब कर लेता हूँ. अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अगला क्वेश्चन है 26. इट्स सिंपल डिवीजन. ओह, ये तो बहुत सिंपल है. तो आरएमसी इज नॉट अ टफ एग्जाम बेटा. ठीक है, इट इज सिंपल. आपको डिवाइड करना है, डिवीजन इज वेरी इजी. ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं अब हम. तो आपको दिया है 3x^5 +7x^4 -11x^3 +8x^2. थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे. ओके, -32x +5. अच्छा, ऐसा कुछ दिया है एंड यहाँ पर आपको डिवाइड करना है x² + 3x + 2 से. ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले मुझे x^5 बनाना है इसे और यहाँ पर कोफिशिएंट 3 लाना है. तो मैं इसको किससे करूँगा, अच्छा इसको मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ. ओके, ठीक है, तो डिवाइजर दिया है हमें x² + 3x + 2 और ये डिविडेंड दिया है 3x^5 +7x^4 -11x³ + 8x² - 32x + 5. ठीक है, फटाफट से इसको डिवाइड करते हैं, बहुत सिंपल है, बच्चे चेक कर लेना. ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 3 क्योंकि हमें कोफिशिएंट 3 चाहिए और पावर हमें x^5 बनानी है तो मुझे x^3 लेना पड़ेगा यहाँ पर. तो यहाँ पर आ जाएगा 3x^5. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा. ठीक है, डिवाइजर और क्वेश्चन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. प्लस 3 3 ज़ 9x^4 प्लस 6x^3. ठीक है, इसको फटाफट से कैंसिल करते हैं. माइनस साइन विल कम, ये तो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा -2x^4 एंड इट विल कम -17x^3. एक +8x² ऊपर से हम ले आएंगे. ठीक है, ये ऊपर से यहाँ आ गया. ओके, फिर हमें क्या बनाना है, हमें -2 कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ पर हम -2 ले आएंगे और हमें पावर x^4 चाहिए. यहाँ पर x² है तो x² करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2x^4. पहला टर्म सेम हो गया, बस हमें पहला टर्म सेम बनाना है. ठीक है, कैंसिल करने के लिए कैंसिल आउट एंड देन -6x³ -4x² ओके. अच्छा,
इसको सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करते हैं, दिस विल बिकम प्लस, दिस विल प्लस प्लस, टू एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स, ये माइनस प्लस कैंसिल, अच्छा ये आ जाएगा माइनस इलेवन एक्स क्यूब, ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस है ना, और ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, और ये माइनस थर्टी टू एक्स को हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस थर्टी टू एक्स, वेरी सिंपल। अब इसके बाद हमें इलेवन एक्स क्यूब बनाना है, तो हम क्या लेंगे, साइन माइनस लेंगे और इलेवन कोफिशियंट आ गया और एक्स एक्स ले लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा, दिस विल बी माइनस इलेवन एक्स क्यूब माइनस थर्टी थ्री, इलेवन थ्री थर्टी थ्री एक्स स्क्वायर एंड प्लस नॉट माइनस ट्वेंटी टू एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ, ओके लाइक दिस, ठीक है, वी विल चेंज इट साइन, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ओके, अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दिस विल गेट कैंसल्ड एंड 33 प्लस 12 विल बी हाउ मच 45, दिस विल कम 45 एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर दिस विल बी माइनस 10x, माइनस 10x, और ऊपर से मैं क्या लाऊंगा नीचे, हाँ ये जो प्लस 5 है, दिस प्लस 5 विल कम हेयर, ये जो प्लस 5 है ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5, ओके, अब फाइनली मुझे 45 एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 45, प्लस 45, तो दिस विल बी 45 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 45 थ्री ज़ा 135, दिस विल बी 135 एक्स प्लस 45 टू ज़ा 90, ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये माइनस आ गया, प्लस माइनस, प्लस माइनस, साइन चेंज कर लिया हमने, ये तो कैंसिल हो गया, और नीचे बचा, दिस विल बी माइनस 135, दिस विल बी माइनस 145x एंड दिस विल बी माइनस 85, ओके माइनस 85, सो दिस विल बी द रिमाइंडर, दिस रिमाइंडर विल बी लेफ्ट, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया, और जो इसका क्वेश्चन है वो है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, बहुत सिंपल सवाल था, रिमाइंडर बच रहा है, ये बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है, ओके, सो दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज आवर आंसर, ठीक है, चलो वेरी इजी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट बेटा, अगले सवाल पे आते हैं, इसको मैं रब कर लूँगा, अगला सवाल बहुत आसान है, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाय थ्री एंड इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143 एंड व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है, पुराने वाले को, ओके, ठीक है, पुराना वाला मैंने रब कर दिया, ओके, ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हुए अच्छे से करेंगे, हम क्या ले लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स वाई, ठीक है, एक टू डिजिट का नंबर हम अपनी मर्जी से एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है, लेट टू डिजिट नंबर बी एक्स वाई, ठीक है, ये टू डिजिट नंबर ले लिया हमने, इसके एक डिजिट एक्स, एक डिजिट वाई है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बेटा ये जो नंबर है ये तो एक ही नंबर है, दो अलग अलग डिजिट का, अच्छा इसके बाद एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी हम इसमें कोई भी इक्वेशन लगाएंगे या इसको सॉल्व करेंगे दोनों डिजिट्स हमें सेपरेट लेनी पड़ेगी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, ये होती है इसकी वंस डिजिट और ये होती है इसकी टेंस डिजिट, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स इंटू टेंस डिजिट को इंटू टेन करेंगे प्लस वाई को ऐसे प्लस वाई इंटू वन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एक एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं आपको, जैसे 25 है हमारे पास, 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 तो वंस डिजिट हो गई, 2 टेंस डिजिट हो गई, तो 2 इंटू टेन प्लस 5 लिख सकता हूँ ना, सॉल्व करके क्या आएगा, 25 ही आएगा, ठीक है, तो जब मैं इक्वेशंस फॉर्म करूँगा तो मुझे इस फॉर्म में करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों डिजिट्स को अलग अलग दिखाना ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है, तो इसको मैं रब करके, इतना मैं फिर से रब कर लेता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर ये वंस और टेंस डिजिट हो गए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स टेन एक्स टेन इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ओके, अब वो क्या कह रहा है, इफ़ द डिजिट्स, अच्छा द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाई थ्री, तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, ठीक है, जो ये टू डिजिट नंबर है अगर आप इनका डिफरेंस करोगे एक्स माइनस वाई तो कितना आएगा, थ्री आएगा, दिस इज़ वन इक्वेशन विच इज़ गिवन टू यू, ठीक है,
ये एक इक्वेशन आ गई, आपको फाइनली एक्स एंड वाई निकालना है। सेकेंडली क्या कहा है, इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, इसका मतलब एक्स वाई को अगर आप वाई एक्स कर दो, ठीक है, अगर आपने एक्स वाई को क्या कर दिया, वाई एक्स अगर आपने कर दिया, देन द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल। अगर इसको मैं किससे ऐड करूँ, ओरिजिनल एक्स वाई से ऐड करूँ, तो कितना आना चाहिए, 143। बेटा लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, याद रखना, दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन, क्योंकि इसमें x और y का मतलब क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि y इंटू एक्स कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं है ना बीच में, तो इसको हम ये गलत वे है इक्वेशन लिखने का, दिस इज़ नॉट अ राइट वे। हमें इसको y x को कैसे लिखना पड़ेगा, जैसे हमने xy लिखा था ऊपर, कैसे लिखा था, 10x प्लस y, तो y 10 डिजिट है तो इसको हम लिखेंगे y 10y, इसे तो लिख रहा हूँ मैं, y इंटू 10y प्लस x प्लस xy को कैसे लिखा था मैंने, 10x प्लस y इज इक्वल टू 143, दिस इज़ द राइट वे। ठीक है, ये वो इक्वेशन है बस। अब तो ये इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, हमें इसको सॉल्व करना है, अब तो बहुत आसान है सवाल हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी 10x और x, दिस विल बी 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143। अगर आप पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड करते हो, इफ यू विल डिवाइड द होल इक्वेशन, ठीक है, अगर आप पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करते हो, 11 से, सो व्हाट यू विल गेट x प्लस y इज इक्वल टू 11, 1 से 11 एंड 11 3 से 33, तो x प्लस y विल गेट 13। x माइनस y इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 आ गई, ये आ गई इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करूँ, तो मैं साथ साथ लिख लेता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को साथ लिख लेते हैं। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 ना, इफ आई सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, तो बहुत इजी हो गया सवाल मेरा। ठीक है, सो y तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आया 2x इज इक्वल टू 16 और x कितना आ गया 8, और यहाँ से आप y भी निकाल लोगे, अगर x 8 आ गया, पुट दिस वैल्यू नहीं ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2 में, अगर मैं यहाँ पर रखूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, तो x कितना आ गया 8, तो y कितना जाएगा 13 माइनस 8 दैट विल बी 5। ठीक है, तो जो मेरा नंबर है दैट नंबर विल बी हाउ मच, देयरफॉर द टू डिजिट नंबर विल बी, टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई, विच मीन्स x इज 8 एंड y इज 5, 85। सो 85 इज योर आंसर। ठीक है, और आप देख भी सकते हो कि अगर मैं 85 को रिवर्स करूँगा 58 और दोनों को ऐड करूँगा, तो 43 आना चाहिए, और वो आ रहा है। ठीक है, 143 आना चाहिए, सॉरी 8 एंड 5 13 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, 143। ठीक है, सो वी कैन चेक ऑल्सो, 85 इज द राइट आंसर। और ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में किए थे, तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इस बार भी देखते हैं कितने रिजल्ट्स हमारे आरएमसी में निकलते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब तो सारे सिंपल हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कॉमन मल्टीपल वाला सवाल है। ठीक है, बाकी मैं रब कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यू हैव टू डिवाइड 2, 3, 2, 4 इन द रेशियो, रेशियो इज गिवन टू यू। ठीक है, रेशियो आपको दिया है, लेकिन रेशियो आपको फ्रैक्शन में दिया है, तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि पहले रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 28 का। तीन लोग हैं, विवेक, विशाल और गौरव। ठीक है, मैं ए बी सी करके आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं विवेक को ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी, इसको सी मान रहा हूँ। सो ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो कितना दिया है, 1:2/4। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 4 × 4 = 5, 6। ठीक है, अच्छा एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ये अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, इसको लेट मी क्रॉस चेक इट। अच्छा, 1:1/4, अच्छा ये हिंदी में यहाँ दिया है। ठीक है, तो दिस इज़ 1। ठीक है, 1, सो दिस विल बी हाउ मच, 4 × 4 = 5/4, सो दिस इज हाउ मच, 5/4 इज टू 3, 1, 1, 1/3, ये 1 है। ठीक है, 1, 1/3, सो दिस विल बी हाउ मच, 3, 1, 3, 4/3, 4/3, एंड लास्ट वन इज़ गिवन टू यू 7/8। मैं हमेशा ट्राई करूँगा टू मेक इट सिंपल, हमेशा मैं ट्राई करूँगा जो भी मेरे रेशियोज फ्रैक्शंस में, उनको मैं फ्रैक्शन से हटाऊँ पहले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम इज़ हाउ मच, 24, इनको मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा। यू कैन डिवाइड योर रेशियोज़ बाई 24। ठीक है, रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा,
डिवाइड द रेशियोज बाय 24 क्यों, क्योंकि 24 से सारे डिनोमिनेटर कट जाएंगे, तो यहाँ से a इज टू b इज टू c कितना आ गया 5 अपॉन 4 इंटू 24 इज टू 4 अपॉन 3 इंटू 24 इज टू 7 अपॉन 8 इंटू 24। बस अब हमें चीज़ें कैंसिल करनी है, 4 6 जा 3 8 जा 8 3 जा, तो मेरा जो a इज टू b इज टू c आ गया दैट विल बी 30 इज टू 8 4 जा 32 इज टू 7 3 जा 21। ठीक है, सो 30 इज टू 32 इज टू 21 आ गया। इसको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी एक नंबर से तीनों रेशियो कैंसिल नहीं हो रहे। इसका मतलब नाउ आई विल यूज़ कॉमन मल्टीपल, यूज़ कॉमन मल्टीपल, और बाय यूजिंग कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल अगर मैं यूज़ करूँ तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी 30x, बी की वैल्यू कितनी जाएगी 32x, एंड सी की वैल्यू कितनी जाएगी 21x। ठीक है, कॉमन मल्टीपल लेते ही मैं इनको वैल्यूज़ की तरह यूज़ कर सकता हूँ, एंड इट इज़ गिवन टू मी कि आपने आपके पास टोटल कितने रुपीज़ थे, ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं टोटल तीनों का ऐड करूँ तो मेरे पास हैं 2, 3, 2, 4, दैट्स इट। कॉमन मल्टीपल लेके ये इतना आसान हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आई पुट वैल्यूज एंड सॉल्व। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज 30x प्लस बी इज हाउ मच 32x प्लस सी इज हाउ मच 21x इज इक्वल टू 2, 3, 2, 4। इसको ऐड करो कितना आ रहा है 30, 30, 62 एंड 21, दिस विल बी हाउ मच 83, दिस विल बी 83x इज इक्वल टू 2, 3, 2, 4। ठीक है, 83 डिवाइड करो ज़रा कितना आ रहा है, आई थिंक 28, देख लेते हैं 28, 8, 3 is 24, 8 is 64, 66 into 3 to the 6, 8 to the 16, 4, 6 and 6, 12 करीबन 13 करीबन 2, 3, 2, 4, बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, x आ गया 28। ठीक है, बस अब हमें तीनों के शेयर निकालने हैं, अब तो बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। तो a के पास कितना था बेटा, a के पास कितना आया था हमारा निकल के, a के पास आया था 30x, 30x का मतलब होता है x की वैल्यू तो आ चुकी है 30 into 28। ओके, सो 28 3 जा 8 3 करी टू 84 ना, तो a के पास कितना आया 840, b के पास कितना आया, b के पास आया 32 into x इज इक्वल टू 32 into 28। तो अगर मैं 840 में ही कितना ऐड कर लूँ 56, तो आ जाएगा 896, तो कितना आया 896। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, एंड सी कितना आया, सी आया 21x, सो दैट विल बी 21 into 28। तो इसमें आ जाएगा मेरा 28 2 जा, पहले मैं 28 into 20 देखूँगा और वो होता है 56 560, में मुझे 28 और जोड़ना है, इट विल बी 8 8 5 588, कितना आया 588। इन तीनों को एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 840, 896 और 588, कितना आना चाहिए 2, 3, 2, 4 आना चाहिए, 8 और 6 14 कैरी 1 9 10 14 एंड 8 22 कैरी 2 8 and 8 16 5 21 23, 2, 3, 2, 4 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रफ है इसको मैं रफ करके और जो फाइनल आंसर है उसको मैं अच्छे से प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे, ठीक है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ठीक है, तो ये तीन शेयर आ गए, ए बी एंड सी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। ठीक है, बस दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं पार्ट बी के, देखो कितने सिंपल है। सिर्फ एक जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था वो क्वेश्चन कौन सा था, वो क्वेश्चन था पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं वैल्यूज़ में गड़बड़ है बेटा। ठीक है, इसीलिए पॉइंट्स में, एंगल्स पॉइंट्स में आ रहे थे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके हमने निकाला है। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो आया नहीं हुआ वैसे भी। अच्छा, तो क्या कह रहा है आपसे, क्या क्या चीज़ें गिवन है क्वेश्चन नंबर 29 में। गिवन है कि ऑन सेलिंग एन आइटम, आपको सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है, 1000 दिया है। अगर मैं 1000 रुपये की कोई चीज़ बेचूँ तो मुझे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 5% का। ठीक है, बाद वाली कंडीशन तो मैं बाद में लूँगा, इन दोनों कंडीशन से मैं पहले सी पी निकाल लूँ बेटा,
क्योंकि सीपीआई ऑफ एन आर्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम ठीक है, सीपी फिक्स रहता है, एसपी चेंज होता है किसी भी एक आर्टिकल का। तो यहाँ पर देर इज़ अ फॉर्मूला, एसपी इज़ अ फंक्शन ऑफ सीपी, लॉस का मतलब है 100 माइनस एल अपॉन 100, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिससे मैं कहता हूँ बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ना, लेकिन अभी मैं क्योंकि ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और आपको जो मेरे स्टूडेंट्स उनको ये बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी है, मैं कहता हूँ कि फार्मूलाज आर फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। लेकिन हाँ, आरएमसी के एग्ज़ाम में आपको फार्मूलेज लिख कर उनको बॉक्स में बंद करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्टिव है बेटा, 10 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर हर एक चीज़ देखेगा आपकी। अच्छा, तो एसपी इज़ अ फंक्शन ऑफ सीपी, एसपी इज 1000, ठीक है, तो मैं वैल्यूज रखता हूँ, एसपी इज 1000 इज इक्वल टू सीपी हैव टू कैलकुलेट इन टू 100 माइनस एल, 100 माइनस 5 मतलब 95 अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है चीज़ें कैंसिल नहीं होंगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ से सीपी कितना जाएगा, सीपी विल बी इज इक्वल टू 1000 इन टू 100 अपॉन 95, एंड अगर मैं इसको 5 से काटूँ 5 20 5 19, तो सीपी कितना जाएगा, सीपी आ जाएगा मेरा कुछ इस तरीके से 1000 इन टू 20 अपॉन 19, ठीक है। मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, या 20,000 अपॉन 19 आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सीपी आ गया, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा, सीपी रिमेंस फिक्स। अब नेक्स्ट कंडीशन मुझे क्या दी है, नेक्स्ट कंडीशन दी है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अब नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी तो रिमेंस फिक्स रहेगा बेटा, ताकि 8% प्रॉफिट हो जाए। अरे वेरी सिंपल, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, पुराना मैं इसको रब कर लेता हूँ, तो ये मेरा सीपी आ गया, तो सीपी तो ये रहेगा। अब वो कह रहा है कि अब नया एसपी क्या होगा, अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में सीपी तो ये रहेगा सेम, सेकंड कंडीशन में सीपी ये रहेगा। अब वो कह रहा है कि नया एसपी क्या होगा अगर आपको प्रॉफिट हो जाए कितने का, 8% का। सेम तरीके से मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, दैट एसपी इज़ अ फंक्शन ऑफ, एसपी इज़ अ फंक्शन ऑफ सीपी, प्रॉफिट के केस में 100 प्लस जी, जी मतलब गेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। सो एस पी हैव टू कैलकुलेट सी पी इज हाउ मच, 20,000 एक दो तीन अपॉन 19 इन टू 100 प्लस जी, 100 प्लस 8 करूँगा तो 108 आ जाएगा अपॉन 100। बस वी हैव टू सॉल्व दिस, सो दिस इज आवर सी पी, एस पी सॉरी, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल पहले कर लेता हूँ मैं, एंड देन एस पी कितना आ गया, 200 कुछ भी कट नहीं रहा, इन टू 108 अपॉन 19, ठीक है। एज सच अब कुछ कट नहीं रहा, तो आपको इसको 108 इंटू 2, 108 मतलब 216 अपॉन 19 एस पी, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, ये तो कर ही सकते हैं आप लोग, ऐसे डिवाइड करेंगे 216 19 19, ये तो बच्चों को आता है 19, 20 21 कितना है 26, ओके, फिर 19 वन ज़ा अगेन 19, रिमाइंडर विल बी हाउ मच 7, देन 70 विल कम, ठीक है। ऐसा कर करके आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना, हाँ। सो एस पी मैं अभी सीधा ऐसे लिख रहा हूँ, एस पी विल बी 21600 अपॉन 19, ठीक है, ये आ गया एस पी। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ज़रूर लिखिएगा बेटा, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे स्टैंडर्ड है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ऐसे डिवाइड करके, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमारा आता है डिवाइज़र 19, जैसे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 19 यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जो भी क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या आएगा ऊपर, ऊपर आता है रिमाइंडर, ठीक है। सो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, नीचे आता है जो भी डिवाइज़र है, और यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या आएगा रिमाइंडर, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ, ठीक है, इसको तो आप कर ही सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल भी, अब ज्योमेट्री के दो सवाल बचे हुए हैं, 29 30, दोनों ही बहुत सिंपल हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, ए बी और डी लाइन पैरेलल दी है और आपको एक्स निकालना है, बहुत सिंपल है, इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो 10 मार्क्स देखो बेटा, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ हल्के से, और इसलिए थोड़ा सा स्लोली चल रहा हूँ, आराम आराम से आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहीं पर इसको बता देता हूँ, अगर आपको एंगल एक्स निकालना है तो इसको आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, ये जो पैरेलल लाइन है इसको आप सीधा ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है, और ये जो पैरेलल लाइन है इसको भी आप ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है। तो अगर ये 95 है बेटा,
इफ दिस एंगल इज 95, ठीक है, दिस एंगल विल बी ऑल्सो 95, ठीक है, या ये 95 है तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 85, ठीक है। मैं बल्कि आपको थोड़ा सा जूम करके इसी में बता देता हूँ। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा यहीं पर, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर रीजन ज़रूर लिखने। दिस विल बी 95, दिस विल बी हाउ मच। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 95 इफ़ यू विल डू यू विल गेट 85, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल तो आ गया 85, ये 85 है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी आ गया 85, ठीक है। अच्छा, ये 120 है, एंगल स्ट्रेट लाइन में कितना होता है, या सम ऑफ लीनियर पेयर्स भी कहते हैं, 180, ये 120 है तो ये कितना आ गया 60। बस अब एक ट्राइंगल बन गया, इसको आप पॉइंट एफ बोल दो, इसको आप पॉइंट ओ बोल दो, तो ओ एफ बी एक ट्राइंगल में एक्स कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल ओ एफ बी, ठीक है, कैसे निकालेंगे, 60 प्लस 85 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180, एक्स विल कम हाउ मच, 180 माइनस ये कितना जाएगा 85, 80 और 60 140, दिस विल बी 145, सो एक्स विल बी हाउ मच 35, सो सिंपल, वेरी सिंपल, क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट में, ओके। लेकिन आप लोग रीजन ज़रूर लिखना, ठीक है, इसको आपने 85 क्यों लिया, फिर ये वर्टिकली ऑपोजिट और फिर ट्राइंगल एंड ऑल, ठीक है, ओके। 30th के बी वाले पार्ट में आते हैं, बी वाले पार्ट में क्या दिया आपको, ये भी बहुत जल्दी जाएगा बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी जाएगा, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं फटाफट से, ओके, इसको भी मैं आप लोगों के लिए जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें तो गिवन है डायग्राम में, ओके, डायग्राम में क्या क्या गिवन है, ये आपका 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, तो मैं जो गिवन है वो ब्लैक से लिखता हूँ, फिर रेड से मैं सॉल्व करूँगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ऐसा एंगल दिया ये 90 डिग्री। अच्छा, ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, पी क्यू और आर एस जो लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल की सारी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं बेटा, ठीक है। तो आप ये लगा लो कि ये जो जेड बन रहा है पहला, इसका मतलब ये जो एंगल होगा, अब मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल एक्स के बराबर होगा, ठीक है, तो ये एक्स है तो मैं यहाँ पर भी एक्स लिख सकता हूँ बेटा। और अगर आप पी क्यू एस वाले एंगल को देखोगे बड़ा, तो ये बड़ा जेड यहाँ बन रहा है, इसका मतलब ये जो एक्स और 40 एंगल्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, तो यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है बेटा, एज वी नो दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस ई, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर एंगल एक्स प्लस 40 विल बी इज इक्वल टू 75। और ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं बेटा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एक्स कितना आ गया यहाँ पर 35 डिग्री, अरे वेरी सिंपल। अच्छा, अगर एक्स 35 आया तो आई हैव टू कैलकुलेट नाउ वाई, एक्स कितना आ गया यहाँ से 35, अरे वाई तो सीधा ही दिख रहा है, वाई कितना जाएगा, ये एंगल कितना है, जब दोनों पैरेलल लाइन से स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल पूरे 90 होगा, ये 90, ये भी 90, ठीक है, तो अगर एक्स 35 है तो वाई कितना जाएगा, अरे सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, वाई विल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 35 एंड वाई विल बी इज इक्वल टू 55, सो सिंपल, ओके, एक्स एंड वाई आ गया, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस बेटा, सी पार्ट बी कितना सिंपल है, यूँ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। हाँ, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आरएमसी एक क्वेश्चन ज़रूर टफ देता है पार्ट बी में, ताकि ये एक ट्रिक होती है बेटा, ताकि बच्चे अपना टाइम उसी में वेस्ट कर लें और बाकी क्वेश्चंस, क्योंकि बेटा ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन वन क्वेश्चन, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि पहले स्कैन करो, ये जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको एकदम एंड पे करो, क्योंकि ये अधिकतर केसेस में इनको टाइम कंज्यूमिंग देखा गया है, ठीक है, ओके। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करना औरों से, ताकि औरों को भी बेनिफिट मिले, क्योंकि बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो आरएमसी के बारे में अवेयर हैं, ठीक है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे अभी से इतने छोटे एज से एक नेशनल लेवल का पेपर दे सकते हैं जिसमें इतनी लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर बच्चा एग्ज़ाम निकालता भी है तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और अगर वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है तो वो भी एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बच्चे को काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है और सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, और आप क्वेश्चंस के लेवल देख लो, बहुत अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आगे अब आप देख सकते हो कि आगे बच्चे को कॉम्पिटिशन ही फेस करना है, तो आगे कितना ईजी हो जाएगा उस बच्चे के लिए, ठीक है,
लेटर ऑन ही विल गिव एनडीए सीडीएस एंड ऑल एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इवन सिविल सर्विसेज भी देगा तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर तो इतना अच्छा लेवल है आरएमसी का ठीक है ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पार्ट बी ठीक है इसके बाद मैं पार्ट ए आपको जल्दी आपके लिए पार्ट ए लाऊंगा ठीक है एंड जीके आई हैव टू कवर योर जीके ऑल्सो ठीक है तो बहुत जल्द एक जीके का भी वीडियो मैं लाता हूँ आरएमसी के ठीक है इंग्लिश में मैंने एक डाउट जो आपको कहा था शुरू में जो मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो डी पार्ट है जिसमें हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना था तो वो मैंने आपको बता दिया ठीक है उसके अलावा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको कोई और डाउट भी लगे इंग्लिश में या मैथ्स में ठीक है सो दैट्स ऑल द बेस्ट